जी तो दोस्तों आज क्या इफेक्ट है के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड रैप के एज अ वर्ब और एज अ नाउन पाँच डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे वर्ड रैप को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टना का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल दोस्तों रैप का सबसे कॉमन मीनिंग जो होता है वो होता है लपेटना वर्ब के तौर पे हम इसको यूज करें जिससे हम कहते हैं लेट्स रैप हिज गिफ्ट चलें उसका तोहफा लपेटते हैं किसी कागज के अंदर बर्थडे का तोहफा उसका लपेटते हैं तो यहां पे हमने कहा लेट्स रैप हिज गिफ्ट उसका तोहफा लपेटते हैं इसके अलावा रैप का मीनिंग खत्म करने का भी होता है जिस तरह हम कोई मीटिंग कर रहे हैं कोई सेशन कर रहे हैं मीटिंग का एक सेशन चल रहा है तो मैं कहता हूं लेट्स रैप दिस सेशन तो इसका मतलब है कि चले इस session को खत्म करते हैं तो यहां पे एक और सेंटेंस मैंने बनाया देखें वो क्या है लेट्स रैप दिस सेशन को ख़त्म करते हैं या फिर मैं इसका भी कहता हूँ लेट्स रैप दिस ट्यूटोरियल चले इस ट्यूटोरियल को अब खत्म करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा जल्दी से बताया और उसको ख़त्म किया तो उस वक्त भी हमने रैप का वर्ड यूज किया इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या डिफरेंट वर्ड के प्रोग्राम हैं तो उसमें हम पिक्चर के इर्द गिर्द अगर हमने टेक्स्ट लिखना हो तो उसको भी रैप करना कहते हैं यानी कि एक पिक्चर बनाई और उसके इर्द गिर्द जो वर्ड लिखा वो एक लेयर सी बना दी वर्ड्स की उसके इर्द गिर्द तो उसको भी रैप कहेंगे जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा या पिक्चर लिखी तो मैं कहता हूँ यार इस पिक्चर को रैप कर दो wrap this text around this picture i am going to wrap the whole sentence अराउंड माई पिक्चर के ये जितना भी पूरा सेंटेंस है ये मैं अपनी पिक्चर के इर्द गिर्द रैप कर दूंगा आई एम गोइंग टू रैप द होल सेंटेंस अराउंड माई पिक्चर अब देखते हैं कि रैप को हम एज नाउन कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले खाने की बात कर लेते हैं आपने चिकन रैप बीफ रैप सुना तो होगा जिसे हम कह सकते हैं जैसा चिकन रोल पराठा होता है तो अगर वो टॉर्टिला में बंदा हो या बाहर के मुल्क में उसको चिकन रैप कह दिया जाएगा जिस तरह मैं कहता हूँ कि लेट्स ईट चिकन रैप या आई वॉन्ट टू ईट चिकन रैप आई वुड लव टू ईट I would love to have another chicken wrap. हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं आप कहते हैं यार कुछ और खाएगा तो मैं काफ़ी कुछ खा चुका हूँ लेकिन मैं कहता हूँ यस एक और चिकन रैप खाना में बहुत मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा पसंद आएगा आई वुड लव टू हैव एन अदर चिकन रैप तो कोई भी सैंडविच टाइप चीज जैसे हमने चिकन रोटी के दरमियान लपेट दिया तो उसको चिकन रैप कहा जाएगा इसी तरह दोस्तों जिस तरह आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जब फिल्में बनती हैं और सेशन ख़त्म हो रहा होता है यानि कि उनने फिल्म का वो सीन रिकॉर्ड कर दिया तो वो कहेंगे इट्स अ रैप लेट्स फिनिश इट इट्स अ रैप कि आप ख़त्म करते हैं यानी कि रैप करो काम को जिस तरह डायरेक्टर कहता था रैप एट रैप एट तो उस वक्त इसका मतलब होता था कि सब चीज़ों को आप लपेट लपूट के बक्सों में रख के गह जाओ दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड ड्रैप के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड ड्रैप को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नए नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में टूटोरियल मेंयर की प्लानिंग कीप इंजॉइंग गुड डे